स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश हो राहुल गांधी, मानहानि मामले में यूपी के कोर्ट ने आदेश दिया। दोस्तों, एक बार फिर राहुल गांधी एक तरीके से मानहानि केस में फंसे नजर आ रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी सरनेम वाले केस में उनकी संसदीय चली गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल जरूर किया था पर उनकी संसदीय चली गई थी। अब फिर से एक बार क्या वो संसद से बाहर होंगे? इस बार मामला बहुत टाइट लग रहा है और बताएंगे पूरा मामला क्या है, सुल्तानपुर कोर्ट ने क्यों उन्हें हाजिर होने के लिए कहा है। यूपी में एक बार फिर अमित शाह के ऊपर उन्होंने मानहानि का कुछ मामला था, पूरा न्यूज बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्या है मानहानि का मामला? राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। मानहानि केस में 2 जुलाई को बुलाया गया है। अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था राहुल गांधी ने। सुल्तानपुर की दोस्तों एक कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि वह कहाँ है। वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसीलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। 8 मई 2018 को बेंगलोर में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इससे पहले इसी साल राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। 5 साल से चल रहा यह केस सितंबर 2023 में MP ML कोर्ट में तत्कालीन जज राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। राहुल गांधी इस केस पर जमानत पर हैं। राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25,000 के 2 बॉन्ड पर जमानत दी थी। इसके बाद पहली तारीख 2 मार्च को लगी थी। इसके बाद 13 मार्च 22 मार्च 2 अप्रैल 12 अप्रैल 22 अप्रैल 2 मई 14 मई 27 मई 7 जून और 18 जून और 26 जून लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसकी ओर से इन्हें वकील काशी शुक्ला हाजिरी माफी की अर्जी दे रहे हैं। कोर्ट में राहुल गांधी के बयान दर्ज होने हैं। अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां पे पहुंचने के लिए कहा गया है। 2018 में जब राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ बयान दिया था उस वक्त अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा का अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। सुल्तानपुर में भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि 8 मई 2018 को बेंगलोर में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी में उन्होंने कहा था अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज लोहिया मामले में उल्लेख किया कि इसीलिए मुझे नहीं लगता अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है, जो पार्टी ईमानदारी और सुचिता की बात करता है। इनका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसी बयान के बाद ये भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। यही वो नेता है। इसी के मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने की के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता विजय बोले, राहुल गांधी के बयान से भावनाएं आहत हुई है। इस केस में याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान में उनकी भावनाओं को आहत हुई है क्योंकि वह खुद भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी भी समाज में मानहानि हुई है, इसीलिए उन्हें कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। इसमें विजय मिश्र ने 2 गवाह भी पेश किए थे। राहुल गांधी के खिलाफ 2 धाराओं में 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर यह भी इसमें भी राहुल गांधी को सजा दिया जाता है तो क्या पूर्व जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने राहुल गांधी को बाहर किया था, फिर राहुल गांधी को बाहर किया जा सकता है क्योंकि वायनाड की सीट तो राहुल गांधी छोड़ ही चुके हैं। अब रायबरेली की सीट बची है। अगर रायबरेली से उन्हें उनकी संसदीय चली जाती है तो फिर वहाँ चुनाव होंगे और भाजपा अगर वहाँ जीती तो राहुल गांधी सांसद से दूर चले जाएंगे। मानहानि केस में पिछली साल सांसद की सदस्यता गवा चुके हैं राहुल गांधी। 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इनमें उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी तब वायनाड से सांसद थे, हालांकि बाद में सजा निलंबन होने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। तो दोस्तों, ये तो मामला है। राहुल गांधी एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की सदस्यता फिर से जाएगी? अगर आप लोग को भी लगता है कि हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।